नमस्कार इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। रायपुर कांग्रेस के पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया का सामुदायिक भवन पर कब्जा का मामला गरमाया हुआ है, जिसको लेकर एक तरफ जहां पूर्व मंत्री शिव डहरिया सफाई देते नजर आ रहे हैं, तो वहीं निगम ने पूर्व मंत्री की पत्नी शकुन डहरिया को बड़ा झटका देते हुए 72 घंटे में भवन खाली करने का आदेश दिया है। जिसके बाद बीजेपी के विधायक गुरु खुशवंत साहब ने पूर्व मंत्री पर आरोप लगाते हुए कहा है कि इनका काम ही कब्जा करना और जनता के पैसों की लूट करना है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में राजनीतिक नूरा कुश्ती का दौर जारी है। तो आज बात होगी छत्तीसगढ़ में लूट खसोट की, लेकिन इससे पहले पेश एक रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया का सामुदायिक भवन पर कब्जे का मामला गरमाया हुआ है। इसको लेकर शिव डहरिया ने सफाई भी दी है। वहीं इसी बीच निगम ने पूर्व मंत्री की पत्नी शकुन डहरिया को बड़ा झटका दिया। नगर निगम रायपुर ने उन्हें नोटिस जारी कर 72 घंटे के भीतर भवन को कब्जा मुक्त करने का आदेश दिया है। राष्ट्रीय सद्भावना समिति के अध्यक्ष शकुन डहरिया को नगर निगम रायपुर ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में नगर निगम के आधिपत्य को विधि विरुद्ध बताया गया है और कहा गया कि राष्ट्रीय सद्भावना समिति को मालिकाना हक नहीं दिया गया, इसीलिए शताब्दी नगर स्थित नवनिर्मित सामुदायिक भवन को 72 घंटे के भीतर कब्जा मुक्त कर निगम को वापस देने के लिए कहा गया है। वहीं पूर्व मंत्री शिव डहरिया के दावे को निगम के नोटिस ने खारिज कर दिया है। डहरिया ने MIC से स्वीकृति मिलने का दावा किया है, जबकि सामान्य सभा से प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया की पत्नी शकुन डहरिया पर रायपुर के शताब्दी नगर स्थित सामुदायिक भवन पर कब्जा करने का आरोप लगाया था। उनकी पत्नी की यहाँ इतनी चलती है कि उन्होंने भवन के रंग रोगन पर 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। यहाँ आम लोगों की एंट्री भी बंद कर दी गई। ये सामुदायिक भवन किसी सचिव के कार्यालय से कम नहीं है। जो पूर्व के ये मंत्री रहे हैं डहरिया जी, इनका काम ही है कब्जा करना भवनों को, जबरदस्ती अपने मंत्री पद का दुरुपयोग करने का काम ये लगातार करते आ रहे थे जब ये मंत्री थे। और ये सिर्फ रायपुर की बात नहीं है, मेरे आरंग विधानसभा भी राष्ट्रीय सद्भावना करके एक भवन बनी हुई है, जिसको भी ये मांग कर रहे थे कि मेरे नाम से उसको किया जाए। वहाँ आवेदन भी लगा हुआ है और उनके पार्षदों को दबाव बनाकर उसमें वहाँ से वहाँ पास भी करवाया गया है। वो तो गनीमत है कलेक्टर साहब का, उस समय जो वर्तमान में थे, जिन्होंने उसको रोक के रखा हुआ था, इस कारण वो आवंटित नहीं हो पाया। और अभी पता नहीं पूरे हमारे प्रदेश में और कहाँ कहाँ किस किस जिलों में ये इस नाम से भवन बनाए होंगे और उसको अपने कब्जे में करके रखेंगे। विधायक ने आगे कहा, पूर्व मंत्री ने बंगला खाली किया था और बंगले से सामान चोरी का आरोप भी लगाया। विधायक खुशवंत साहब ने पूर्व मंत्री पर आरोप लगाया और कहा कि इन्होंने जब बंगला खाली किया था तब वहाँ से सामान भी चोरी हो गया था। वो सामुदायिक भवन जिसमें एक समिति को आवंटित किया गया था, जिसके अध्यक्ष शकुन डहरिया जी थी, जानकारी में प्राप्त हुआ कि वहाँ कुछ समाज के बच्चियों को ट्रेनिंग वेनिंग देती है और जिसका अलॉटमेंट जो है वो मेयर एंड काउंसिल में 2022 में उसका आवंटन हुआ था। क्योंकि वो सामुदायिक भवन था और सामुदायिक भवन में किसी NGO को देने का नियम पूर्व में नहीं था, तो उसको अलॉटमेंट यहाँ के मेयर एंड काउंसिल ने की थी, लेकिन उसको संज्ञान में लेते हुए उन्हें 72 घंटे की नोटिस दी गई है और उनके द्वारा भवन खाली किए जाने का उन्होंने आश्वस्त कर दिया। निगम सभापति प्रमोद दुबे ने कहा, वो सामुदायिक भवन एक समिति को आवंटित किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष पूर्व मंत्री की पत्नी शकुन डहरिया थी। उस भवन में समाज के बच्चों को ट्रेनिंग मिलती थी। पूर्व में किसी NGO को देने का नियम नहीं था, लेकिन मेयर एंड काउंसिल ने अलॉटमेंट किया था, जिसे संज्ञान लेते हुए उन्हें 72 घंटे में खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया है और उन्होंने ये स्वीकार भी कर लिया और वो 2 दिनों में भवन को खाली भी कर देंगे। और इसी कश्मकश में फिलहाल ये मामला सुलझने को तैयार होता दिखता नहीं है, क्योंकि इस मामले पर लगातार राजनीति गर्म है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, एक सरकारी भवन पर पूर्व मंत्री की पत्नी का कब्जा कैसे और कब हो गया, ये किसी को पता ही नहीं चला। रायपुर से मनोज शुक्ला की रिपोर्ट।
तो जिस तरह से सामुदायिक भवन पर कब्जे को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और बीजेपी के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि एक नहीं बल्कि कई इसी तरह की जमीनों पर कब्जा करने की बात चल रही थी, आज उसी पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ मनीष वोरा जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा सत्य प्रकाश सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्य प्रकाश जी, आपसे ही जानना चाहूंगी, ये जो आरोप लगाया जा रहा है रायपुर में सामुदायिक भवन पर कब्जा पूर्व मंत्री की पत्नी शकुन डहारिया का था और अब उनको आदेश दिया गया है कि 72 घंटे में इस भवन को खाली करना है, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए प्रियंका जी, जैसे आपको मालूम है कि EMIC से प्रस्ताव पास हुआ तब उनको मिला था, एक NGO वहां चला रही थी और जिस समिति को मिला, जिस NGO को मिला उसकी अध्यक्ष शकुन डहारिया जी, उनको मिला वहां पे, वो NGO चला रही थी और गरीब बच्चों को ट्रेनिंग, शिक्षा, जो भी होता है NGO का काम होता है, एक अच्छा कार्य वहां पे चल रहा था। नहीं तो NGO चलाते चलाते रेनोवेशन कराने की भी परमिशन होती है क्या सामुदायिक भवन में? प्रियंका जी सुन तो लीजिए, वही मैं बोल रहा हूँ। देखिए जब उनको मिला प्रस्ताव मिला, अगर आपको प्रस्ताव मिला है कि सामुदायिक भवन में काम कर लेगा तो कुछ सालों के लिए मिला होगा, 1 साल 2 साल 5 साल, और उस अगर दौरान अगर आपको कार्यालय है या वहां पे कुछ कर रहे हैं तो अगर आपको 1 साल के लिए मिला है, 2 साल के लिए मिला, 6 महीने के लिए मान लीजिए मिला है, तो आपके ऊपर है ना, वो व्यक्तिगत तौर पर है कि भाई आप अपने कार्यालय को कैसे रखना चाहते हैं या वहां सोना चांदी लगाना चाहते हैं कि वहां पे पंखा लगाते हैं, वो तो आपके ऊपर है, इसमें ये कोई सवाल नहीं है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनको मिला, उन्होंने वहां पे अपना NGO चलाया, बच्चों को ट्रेनिंग दी, शिक्षा दी, अब अगर नगर निगम उनको लग रहा है तो उसके लिए भी तैयार है, ठीक है, खाली कर देते क्योंकि तो है तो प्रॉपर्टी नगर निगम की, मगर आपने कुछ समय के लिए दिया था इससे मैं वहां पे काम कर रही थी, इसमें बवाल कहां है? उस समय के लिए दिया था और बाहरी सभी लोगों के लिए एंट्री बंद कर दी गई थी, तो इसे आप कब्जा नहीं करेंगे क्या? ये सब नहीं नहीं ये देखिए NGO जब वहाँ पे शिक्षा दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है, तो किसकी एंट्री बंद हुई है बताइए? बच्चे जाने के नहीं जा रहे, उनके अभिभावक जा रहे होंगे, नहीं जा रहे होंगे, वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ हो अल्लाह किया जाए, किसी को रोका नहीं जा रहा था, ये सिर्फ बीजेपी पार्षद हो या बीजेपी नेता हो, कार्यकर्ता, वही अल्लाह कर रहे, किसी को ऐसा कोई वहां पे नहीं था कि रोका जा रहा और ये जा रहा, वो कुछ वहां पे नहीं है, ठीक है। दरअसल बात ये कि बीजेपी अपने काम तो कर नहीं रही है, आप अगर 2 महीने के उठाकर देख लीजिए, अपने काम तो कर नहीं रही, मगर कांग्रेस को कुछ अपशब्द बोलना, कांग्रेस सरकार ये, कांग्रेस सरकार वो, अपने काम पहले कर लेना। अरे ये तो वो लगे झलकी नहीं, तो 72 घंटे में आप अगर खाली करने का आदेश आया है, सत्य प्रकाश जी 72 घंटे में अब अगर खाली करने का आदेश आया है तो पूर्व मंत्री की पत्नी है, नियम कानून ऐसा तो है नहीं कि ज्ञात नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि क्या आप इंतजार कर रहे थे कि जब निगम कार्रवाई करेगा तब खाली किया जाएगा? आपकी जब तक लीज थी या जब तक आपने लिया था उसके बाद नियम के अनुरूप तो यही होता है ना कि आपको उसका कब्जा छोड़ देना चाहिए था। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि आपको लीज पे जब मिला है तो तब तक वो थी, अगर अब निगम ने बोला खाली करे तो कर रही है खाली, तो इसमें गलत, ठीक है, इस पूरे मामले में, इस पूरे मामले में पूरी जानकारी क्या है? मैं सबसे पहले मनीष जी के पास जाऊंगी। मनीष जी, इस पूरे मामले में अब ये जो 72 घंटे का मामला सामने आया है, ऊपर से बात आ रही है कि सामुदायिक भवन पर कब्जा हुआ है और केवल रायपुर की बात नहीं है, आरंकी क्षेत्र की भी बात बीजेपी के नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या है पूरा मामला? और सामुदायिक बनाने के मौन बनाने के बाद किसी संस्था को सामान्य प्रक्रिया होती है, किसी संस्था को बुलाया जाता है उसको ऑपरेट करने के लिए, लेकिन वहां पर जो कुछ भी देखने को आया या जो अखबारों के माध्यम से पहुंचना है वो ये पूरी तौर पर है कि वहां पर न केवल सामुदायिक भवन बनाया गया मगर उसके रख रखाव के लिए मेंटेनेंस के नाम से गेहूँ के लिए, बल्ब के लिए, किचन के लिए और भी तमाम चीजों के लगभग 15-20 लाख के ज्यादा रुपए वहां पर जो है अलग अलग मौत में खर्चा किए गए, तो वो क्यों किया गया? अभी सामुदायिक भवन है तो वहां पर किचन है, किचन में सारी सुविधाएं की आवश्यकता, चीजों की आवश्यकता, ये सब चीजें समझ के परे है। और यदि मान लो उसके बावजूद भी किसी संस्था को दिया गया है तो वो संस्था वहां पर क्या कार्य करेगी, कितने बच्चों को वहां पर ट्रेनिंग मिले, किस बात की ट्रेनिंग दे रही, क्यों दे रही, कैसे दे रही, किस आधार पर, और यदि नगर निगम ने किसी संस्था को लिया तो किस कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर लिया, ये सारी चीजें जो है वो सामने आना चाहिए। और इससे महत्वपूर्ण चीज ये है कि इस प्रकार से भी किसी संस्था को दिया गया है तो ले जाने के बाद अचानक उसको खाली करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? जब मामला इस तरीके से सामान खुला भी था उसके बाद इसका जाना 72 घंटे के अंदर, यदि सब कुछ सामान्य था तो 72 घंटे के अंदर खाली करने का नोटिस क्यों? जी बड़ा सवाल उठता है, सब कुछ सामान्य है, जब अच्छा था आपने किसी संस्था को ऑपरेट करने के लिए दिया तो सब अच्छा था, तो उससे फिर आपको 72 घंटे क्या, ठीक है। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता KL चौहान जी भी जुड़ चुके हैं। KL चौहान जी, ये जो पूरा मामला सामने आ रहा है इस पर सत्यप्रकाश जी का कहना है कि निगम ने उनको दिया था और वो वहां पर अपना काम कर रहे थे और अब जब उन्होंने आदेश दिया है तो वो खाली कर रहे हैं, इसमें हुआ हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? प्रियंका जी, सबसे जो आत्मा है इस डिबेट की वो एक लाइन है,
वो ये है कि जो प्रस्ताव दिया गया था 3600 स्क्वायर फीट के लिए नगर निगम को, ध्यान से सुनिएगा, जो प्रस्ताव दिया गया था 3600 वर्ग फुट का नगर निगम को, वो प्रस्ताव स्वीकार किया गया है, मतलब लिया गया है आवेदन, आप पारित नहीं किया गया है, पारित नहीं किया गया, स्वीकार किया गया है। इसमें जमीन और आसमान का अंतर है, अगर आप कोई आवेदन देके चले आते हैं, लेकिन उसको पारित करना सामान्य सभा में पारित होता है, जो कि सामान्य सभा में पारित नहीं किया गया था और वो आज तक भी पारित नहीं किया गया था। इसका मतलब क्या है कि आप गैर कानूनी रूप से उस सामूहिक भवन का, उस पब्लिक की प्रॉपर्टी का प्राइवेट यूज कर रहे थे। दूसरी बात, आपने जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी, जो सामूहिक भवन था, उसको आपने पर्सनल प्रॉपर्टी बना दिया, आपने 1 करोड़ रुपए लगा दिया। अब वो 1 करोड़ रुपए कहां से आया, कहां से आया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन सबसे मेन बात तो ये है कि ये गैर कानूनी रूप से आप कब्जा करके बैठे हुए हैं छत्तीसगढ़ की जनता की प्रॉपर्टी का। और ये एक ही मामला नहीं है, आरंग में भी कई मामले ऐसे आए हैं और कई उसमें जो पुलिस में जाके रिपोर्ट भी दिखाई गई है इनके के नाम पे, नामजद रिपोर्ट दिखाई गई है, तीन जगह रिपोर्ट दिखाई गई है। तो वो क्या है, तो ऐसा हम सत्य प्रकाश जी जवाब दीजिएगा अब। और दूसरी बात सबसे मेन बात ये है प्रियंका जी कि ये जो मामला है, ये सरासर आप एक जनता से भी पूछेंगे तो आम जनता को वहां पर अंदर नहीं जाने दिया जाता था, उनका पर्सनल नहीं। लेकिन सत्य प्रकाश जी तो कह रहे हैं कि वहां बाकायदा ट्रेनिंग होती थी, ट्रेनिंग के लिए लोग जाते थे। सुनिए, ये झूठ, ये आप जिनको तो आप कुछ भी बोल सकते, लेकिन आम जनता को आप वहां पर जाकर देखेंगे, आम जनता को वहां पर नहीं जाने दिया जाता था। सबसे मेन बात क्या है, मंत्री लोग तो बैगा आदिवासी परिवार है तो उनकी जमीन हड़प लेते हैं, ये क्या बात करेंगे ये लो। इनके पास बात ये है कि इन्होंने जो घोषणा है जिस पे काम नहीं करता जी, सिर्फ बोलिए ये कर रहा है कांग्रेस बोली अपने काम क्वेश्चन का जवाब यही आंसर में है। आपने क्या यहाँ पर जो धरापटी का बोल कर रहा है उसमें ऐसे हजारों हजारों भी उठा सकता हूँ, जिसके कारण जिसके कारण की जनता मालूम है, समझ गई कि वोटिंग करने की घटिया बन रही है, इसको भी मालूम है। तो इधर उधर की बातें अभी से कंडीशन हो गई है, सिर्फ 2 महीने के अंदर बातें, कोई काम की बात नहीं है, कोई धरातल पे काम नहीं हो रहा है, कोई जनता के लिए काम नहीं हो रहा है, सिर्फ बोलते हो कांग्रेस। अरे सत्य प्रकाश जी, आप तो पहले सामुदायिक भवन पर जवाब दीजिए और उसके बाद आप सवाल कीजिएगा। प्रियंका जी, मैं उसी में बोल रहा हूँ, सामुदायिक भवन की जो बात कर रहे हैं उससे मैं मिला, अब अगर खाली करने वो तो नहीं। आपका कहना है कि कोई भी वहाँ रहता है तो उसका रंगो रोगन करवाता है, 1 करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए उसके रेनोवेशन पर। प्रियंका जी वही मैं बोल रहा हूँ, वो व्यक्ति का अपने विषय देख कर रहे ना भाई, वो कितना वहाँ पे करना चाहता है, उसका अगर कार्यालय है उस पर, अरे ये क्या बात करेंगे, जो 100वें नंबर 1 नंबर पे आ जाते उसका कार्यालय में जाके देखिए ना, अडानी का कार्यालय कहता है तो उनके बारे में नहीं बोलेंगे कि उनका कार्यालय ऐसे क्यों चमक गया जो 100वें नंबर पे था। तो वही बात हो रही है, तो व्यक्ति के अपनी इच्छा है ना, अपने कार्यालय को कैसे रखना चाहता है, ये कोई मुद्दे की बात नहीं है। मुद्दे की बात ये है कि अभी खाली हो रहा है, नगर निगम ने सब दिया था उन्होंने लिया, अभी नोटिस दिया खाली करते वो कर रही है, अगर वो नहीं करती तो गैर कानूनी होता ना कि भाई नोटिस मिला है अभी भी कब्जे करके बैठी हुई है खाली नहीं कर रही है, वो तो खाली कर रही है, इससे सवाल कहाँ खड़ा होता है। बाकी आपकी सरकार है, आपकी सत्ता है, आपकी एजेंसी है, आपकी पुलिस है, अब जांच कर लीजिए जो सामने आ जाएगा, तो इसमें वो हल्ला करने की जरूरत है। ये मैं वही बोल रहा हूँ, अरे जमीन हड़पने का काम तो इनका है, इतना बड़ा झलकी भी नहीं, वो हल्ला करने की जरूरत यही कि 3 दिसंबर तक आपकी सरकार थी तो इस्तेमाल हो रहा था, अब सरकार बदली है तो अब कार्रवाई हो रही है। प्रियंका जी, नगर निगम में हमारी सरकार तब भी थी, शहर की सरकार अभी भी वही है, उन्होंने दिया था
अब वो वोटे खाली करने तो खाली हो रही है, इसका क्या हो मतलब? तो आपका कहने का मतलब है कि आपकी सरकार में नगर निगम था तो आपकी सरकार का दबाव नहीं था, अब सरकार बदली है तो नगर निगम पर दबाव है और इसलिए कार्रवाई हो रही है। नगर निगम के अधिकारी ने भी ये बात मानी है सत्य प्रकाश जी, नगर निगम के अधिकारी ने भी ये बात मानी है कि नगर निगम की वो जिम्मेदारी थी, मजबूरी में अब नगर निगम को आदेश देना पड़ा है और 72 घंटे का टाइम दिया है उन्होंने। वही मैं बोल रहा हूँ, उस समय MIC से पास हुआ था, उनको मिला था। अब अगर मूल रहा खाली नहीं तो आपकी सरकार, आपके नगर निगम के पार्षद, किसका दबाव था? ये जवाब भी तो आप ही देंगे ना, आपके कार्यकाल में हुआ तो। दबाव किसी का नहीं होता। अरे नगर निगम एक अलग वो सरकार हो जाए, शहर सरकार हो जाए, विधानसभा या मुख्यमंत्री हो, अलग राज्य की सरकार हो, तो दबाव किसके ऊपर? हर सरकार अपने में काम करती है। KL चौहान जी इस पर जवाब दीजिएगा, जो सबसे पहले तो इस पर जवाब दीजिएगा, नगर निगम के अधिकारी जो आप खाली करवा रहे हैं, 3 दिसंबर से पहले नगर निगम के अधिकारी को क्या पता नहीं था कि सामुदायिक भवन पर किसका कब्जा है या क्या चल रहा है वहां पर? बंदरबाट चल रहा था प्रियंका जी, बंदरबाट। ये संपत्ति को अपनी संपत्ति समझ के डरे थे, ये बंदरबाट चल रहा था, वहां पर काला कानून चल रहा था, सिर्फ जनता की तो सुनी नहीं जाती थी, जनता की प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी नहीं समझता है, समझते हैं लोग ये नहीं। सत्य प्रकाश जी, कितने सामुदायिक भवन चाहिए आपको ट्रेनिंग देने के लिए? एक आपने रायपुर का कब्जा कर रखा था, एक आपने आरंग के लिए आवेदन दे रखा था, वो तो डीएम ने रोका था, कितने सामुदायिक भवन में आप ट्रेनिंग चलाएंगे? बंगले को बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं कि जबरदस्ती। दूसरी बात ये बताइए सत्य प्रकाश जी, अगर 1 करोड़ रुपए आपके पास रेनोवेशन के लिए है, आप NGO चला रहे हैं, तो आप अपना अपना कार्यालय नहीं, अपना NGO नहीं स्थापित कर सकते थे? क्या जरूरत थी आपको सामुदायिक भवन लेने की? पैसे की तो कमी थी नहीं, जब 1 करोड़ रुपए आप रेनोवेशन पे खर्च कर सकते हैं तो आपने NGO का अपना कार्यालय अपनी जमीन पे क्यों नहीं बनवाया? प्रियंका जी, NGO मेरा नहीं था, उनका NGO था। नहीं, आपके नेता का NGO तो सवाल तो मैं आपसे ही करूंगी ना, प्रवक्ता है ना आप कांग्रेस के। हाँ तो सुन तो लीजिए, मैं वही बता रहा हूँ, NGO उनका था। ये तो NGO कहाँ चलाना है कहाँ नहीं चलाना है जिसका NGO वो तय करेगा ना, तो उन्होंने वहाँ तय किया। तो और भाई सरकार भी आपकी, नगर निगम में पार्षद भी आपके, सामुदायिक भवन भी आपका, तो आप ही तय करेंगे ना कि कहाँ चलाना है जी। हाँ प्रियंका जी, भाई मैं कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर उनको मिला तो गलत क्या है? अगर गैर कानून तरीके से मिलता और वो गलत क्या रहती, अभी भी खाली। ठीक है, मनीष बोरा जी के पास मैं आऊंगी। मनीष बोरा जी, सत्य प्रकाश जी का कहना है कि कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत मिला है, कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत यदि मिला था और यदि सब कुछ कानूनी तरीके से वहां चल रहा था तो आप 72 घंटे में खाली करने के आदेश क्यों आए हैं? क्या पहले गलत हो रहा था या अब गलत हो रहा है? प्रियंका जी, यही सवाल मैंने शुरुआत में ही किया कि यदि सब कुछ सामान्य है तो वहां पर आपने यदि दिया था, सब कुछ सही था और उन्होंने आपने उनको चलाने के लिए दिया था, जो भी ट्रेनिंग दे रहे होंगे, जो भी वहां पर वो सामाजिक कार्य कर रहे होंगे, मुझे नहीं पता कि क्या सामाजिक कार्य वहां पर हो रहा था, लेकिन जो भी वो कर रहे होंगे, वो अचानक ऐसे इलीगल कैसे हो जाता है? दूसरी चीज, एक सत्य प्रकाश जी कह रहे थे कि उन्होंने अपना कार्यालय खुद सजाया, तो जहां तक मेरी जानकारी है वहां पर उस कार्यालय को सजाने के लिए भी अलग अलग मत से अलग अलग बार जो है वो लगभग 15 से 25 लाख रुपए के आसपास या उससे ज्यादा राशि जो है वो नगर निगम के अलग अलग मत से उसमें खर्चा हुई है। वहाँ टीवी खरीद के लगाने की क्या जरूरत है नगर निगम को भाई? जब आपने किसी संस्था को दिया है तो वहाँ पर टीवी लगा के देने की नगर निगम को क्या जरूरत है? दूसरी चीज, वहाँ पर किचन बना करके देने की नगर निगम को क्या जरूरत है? और यदि सब कुछ अच्छा था, आप बोल रहे हैं कानूनी तरीके से किया गया, तो कानूनी तरीके से किया गया काम आज अचानक गैर कानूनी कैसे हो जाता है जब वो समान सभा में आ जाता है? समान सभा में आने के पहले क्या वो गैर कानून नहीं था? इस बात को भी समझना होगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, इसको सीधे तौर पे आपको जनता के सामने लाना चाहिए और कांग्रेस को उस बात को रखना चाहिए। देखिए, एक मंत्री, जवाबदार मंत्री की पत्नी उस NGO की अध्यक्ष है और वो उसको चला रही है, और उनको क्या नियम की जानकारी नहीं है? मंत्री को क्या नियमों की जानकारी नहीं है कि किस नियमों के आधार पर किस प्रकार से वो चीजें जो है संस्था को दी गई है? और संस्था को दी गई है तो उसके बाद में अचानक वापस लेने की स्थिति क्यों पैदा हो रही है? और नगर निगम ने इतना पैसा क्यों खर्च किया? इन सवालों का जवाब देना सत्य प्रकाश जी, इन सवालों का तो जवाब दे ही नहीं रहे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, चलिए आपने जो कुछ भी किया उस संस्था के लिए किया, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़ रुपए खर्चा करके, मगर मुझे इस बात का जानकारी जवाब दें कि वहां से कितने बच्चों को किस चीज की ट्रेनिंग दी गई और संस्था क्या ट्रेनिंग देने का काम करती है? उस ट्रेनिंग देने सत्य प्रकाश जी जवाब दीजिएगा, फ्री में लिया गया कि उससे पैसा लिया गया? जवाब दीजिएगा जी।
मनीष जी ने अच्छा सवाल किया। देखिए एक चीज मैं बोलूंगा, अभी सरकार किसकी है? बीजेपी की। सत्ता में कौन है? बीजेपी है। मुख्यमंत्री बीजेपी का है। आपके पास सत्ता है, आपके पास एजेंसी है, आपके पास सारी एजेंसी है, आपके पास जितनी भी तरह की एजेंसी राज्य सर है आपके पास है। कहाँ से पैसा आया, कैसे रिनोवेशन हुआ, कहाँ से फंड आया, करा लीजिए जांच। मैं तो बोल रहा हूँ ना, हमारी पार्टी बोल रही है, बिहारी जी ने बोला आपको लग रहा है तो करा लीजिए जांच, कौन मना कर रहा है? उसके बाद फिर आप ही बोलेंगे कि बीजेपी ने तो आपके पीछे जांच की एजेंसी छोड़ रखी है। हम नहीं बोलते, हम बोलते हैं हमेशा निष्पक्ष जांच की बात करते, जांच से हम कभी मना नहीं करते। प्रियंका जी ये गलत बात है, जांच के लिए हम कभी मना नहीं करते। हम ये बात करते हैं कि अजीत पवार जैसी जांच नहीं होनी चाहिए कि इधर आ जाइए तो साफ हो गए, ये वो नहीं जांच नहीं होनी चाहिए। अशोक चौहान जी आपको आदर्श घोटाला था, अब इधर आ जाइए तो आदर्श घोटाला गुम हो गया। अरे हेमंत बिस्व शर्मा जी इधर आ जाइए, अब वॉशिंग मशीन धुल गया, आप ठीक हो गए। चौहान जी जवाब दीजिए इस पर, सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं निष्पक्ष जांच करें, ऐसा हो जाएगा सामने। आप क्यों डर रहे हैं? आप करा दीजिए निष्पक्ष, आपकी सरकार, आपकी सत्ता है। नहीं, मनीष वोरा जी ने एक और सवाल उठाया है कि किस चीज की ट्रेनिंग चल रही थी, आपको तो जानकारी होगी। वही काम करती है तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी को गरीब लोगों से हमेशा दिक्कत है, बैगा परिवार के आदिवासी को नहीं। तो इतना बड़ा वहाँ समाज कल्याण का काम हो रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ता है, और आपको जानकारी नहीं है कि क्या समाज कल्याण का काम, क्या समाज की भलाई के लिए वहाँ काम किया जा रहा था? अरे बताया तो प्रियंका जी, गरीब बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको स्किल डेवलपमेंट देना, ये काम होता था। मैं तो बता तो रहा हूँ, गरीब बच्चों से जवाब दीजिएगा। 15 खोल पाए स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं खोल पाए, गरीब बैगा परिवार को आत्महत्या दिखा देते हैं, इनको गरीबों से दिक्कत क्या, आपको समझ में नहीं आई? सिर्फ और सिर्फ आम जनता को तो वहां पर जाने नहीं दिया जा रहा था, और सिर्फ वो अपना पर्सनल यूज के लिए अपना ऑफिस बना के बैठे हुए थे, ये इनका मेन कार्य था। दूसरी बात, मनीष वोरा जी ने बहुत ही अच्छी बात बोली है कि आप ये तो बता रहे हैं कि इतना खर्चा हुआ है, लेकिन ये कहाँ बताया है कि आपने काम क्या हुआ, ये बहुत जबरदस्त बात है। दूसरी बात, जो इस डिबेट की, इस बात की जान है प्रियंका जी, वो ये है कि वहां पर आवेदन पारित नहीं हुआ था, सिर्फ स्वीकार किया गया था। पारित सिर्फ सामान्य सभा में होता है, इसके ही तहत आज उनको गैर कानूनी रूप से जो कब्जा करके बैठे हुए हैं यहाँ की, और आरंग की जो प्रॉपर्टी है, और बंगला खाली करते वक्त भी इन्होंने जो सरकारी संपत्ति से छेड़खानी की है उसको अपनी संपत्ति बना के अपने साथ ले गए थे, तो ये इनकी फितरत बताती है, और शर्म आनी चाहिए। और जनता ये सब चीजें देखती है, जिसके कारण इन्होंने, जनता ने इनकी धज्जियां उड़ा के रख दी है। और सिर्फ ये एक मामला नहीं है, ऐसे उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में किया है, बंदरबाट का काम किया है, जिसके हाथ में जो आया वो काम किया है। नहीं, लेकिन अब तो सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि सब कुछ आपके हाथ में है, आप जांच करा ले। बिल्कुल बिल्कुल होगा जांच, हर एक चीज की जांच होगी, और प्रक्रिया चालू हुई ना, इनको 72 घंटे का नोटिस दिया गया कि आप खाली करें, और उसके बाद जांच भी होगी। क्यों नहीं होगी? और 25 लाख रुपए, जैसे कि मनीष वोरा जी बोल रहे थे कि 25 लाख रुपए नगर निगम से लिया, ये इनके अपने घर से लाए थे, ये इनकी क्या निजी संपत्ति थी, वो कैसे लगा दिया उन्होंने, और किस मत से लगा दिया? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि वो रसूखदार की बीवी का था, या उस रसूखदार के बोलने से किया गया? सिर्फ इसीलिए कि ये और जो 25 लाख रुपए या 25 रुपए जो लगाया गया, वो आपके घर का नहीं था, वो आपकी निजी संपत्ति नहीं थी, वो छत्तीसगढ़ की जनता की संपत्ति थी, जिसका खामियाजा आपने भुगत चुके हो 3 दिसंबर को, और इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको मुंह तोड़ जवाब दिया, धज्जियां उड़ा दी है आपकी इस कारनामे कारण। इस पूरे मामले में निगम और निगम के अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी? निगम के अधिकारियों पर जो कार्रवाई नहीं हुई, जो कानूनी प्रक्रिया के तहत निगम में जो दोषी पाया जाएगा उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जो इसके लिए आदेश दिया होगा, जिसकी कलम आएगी उसके ऊपर कार्रवाई होगी। क्यों नहीं होगी कार्रवाई? बिल्कुल होगी कार्रवाई। मनीष वोरा जी, क्या लग रहा है आपको कि इस पूरे मामले में जिस तरह से दबाव किसी का भी हो, नियम कानून कोई भी तोड़ा मरोड़ा गया हो, लेकिन निगम की यदि वो प्रॉपर्टी थी तो निगम की भी जिम्मेदारी बनती है, जिसको अब निगम के अधिकारी सभापति प्रमोद दुबे ने माना है, लेकिन इससे पहले तो कानों में तेल डालकर बैठे हुए थे। निश्चित रूप से देखिए, नगर निगम की प्रॉपर्टी थी, मेरे ख्याल से शिव डवरिया जी नगरी प्रशासन मंत्री भी थे, उन्हीं के अंतर्गत का ये विभाग था, और वहीं पर ये सब कुछ हुआ है। और उसके बाद एक चीज और मैंने देखा कि इसमें उनको किसी भी जगह से सामान्य सभा से प्रस्ताव पास नहीं हुआ है कि उनको वो जगह दी जाए,
ये तो केवल स्वीकृत हुआ था, समान सभा में जाना था, लेकिन समान सभा में जब गया नहीं, पास नहीं हुआ, तो उनको कब्जा कैसे मिल गया उस जगह का, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। एक जो सरकारी जगह है वो बनी, उस जगह के बनने के बाद वहां पर किसी व्यक्ति का कब्जा कैसे हो जाता है? यानी नगर निगम पूरी तरीके से आंख का नाक बंद करके बैठा था, उसको ये पता नहीं था कि वहां पर क्या हो रहा है, और उसके बाद आज यदि वो चीज खुल करके सामने आ रही है तो वहां पर आप उसको 72 घंटे के अंदर खाली करने का नोटिस दे रहे हैं। इसका मतलब कि क्लियर है कि वहां पर किसी का कब्जा था जिसको आप खाली करने के लिए बोल रहे हैं, तो इस चीज को समझना होगा। दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी से इस बात को कहूंगा कि यदि इस तरीके की स्थितियां चल रही थी और ये लंबे समय से चल रहा था, तो भाजपा के जो भी वहां पर पार्षद थे, जो नेता प्रतिपक्ष थे, वो सारे लोग क्या अत्याधीन से हो रहे थे? आपको आज ही पता चला, इसके पहले क्यों नहीं पता चला? इतनी बड़ी घटना हो जाती है, आपको पता नहीं चलता? यानी आप भी एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने नाकाम रहे हैं। आज आपको दिख रहा है, आज आप खड़े हो रहे हैं, आज आप बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी सरकार आ गई है। पहले आपको क्यों नहीं सवाल पूछा? प्रियंका जी, मुद्दे इतने ज्यादा है, मुद्दे इतने ज्यादा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सड़क से सदन तक निष्क्रिय नहीं, सक्रिय रही है, जिसके कारण वो जागरूक कर पाई है पूरी छत्तीसगढ़ की जनता को, और छत्तीसगढ़ की जनता में जागरूक होगी सब चीजें समझ के, एनालिसिस करके। नहीं, लेकिन जो सवाल यहाँ पर मनीष बोरा जी ने कहा है कि आप विपक्ष की भूमिका की बात कर रहे हैं और मजबूत विपक्ष की भूमिका की आप बात कर रहे थे, तो आप कैसे चूक गए आपसे ये मुद्दा? क्यों, कैसे? हमने बिल्कुल वहां पर जो लोकल स्तर पे जो कार्यकर्ता होंगे, जो हमारे पदाधिकारी होंगे, उन्होंने बिल्कुल उठाया होगा, क्यों नहीं उठाया होगा? हाँ, ये आज बड़े स्तर पे इस वजह से रोशनी में आ गया है, ये आज बड़े स्तर पे कार्रवाई हो रही है, इस वजह से ये रोशनी में आया है। नहीं तो ऐसे कई मामले हैं जो लोकल पदाधिकारी और जो लोकल कार्यकर्ता हमेशा उठाते रहे। अब दुरुप भिड़ाई के देख लीजिए, कई ऐसे में एक स्तर सुना होगा दुरुप का, जिसमें एक सरकारी स्कूल था, उसके पास ही एक दारू भट्टी खुल गई, तो दारू भट्टी बंद करने के लिए सरकारी स्कूल वालों ने भी वहां के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी धरना दिया, प्रदर्शन किया, वो कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, लेकिन बंद कर दिया गया। नहीं, लेकिन इन सबके बावजूद भी सत्य प्रकाश जी तो कह रहे हैं कि सब कुछ अपने बंद किसको किया गया? स्कूल को बंद किया गया, दारू भट्टी को बंद नहीं किया गया। ये इनका क्या बोलते हैं, रवैया था। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये आवाज नहीं उठाई होगी, आवाज बिल्कुल उठाई होगी, लेकिन हर मुद्दे को आप टीवी चैनल से नहीं दिखा सकते, हर मुद्दे को आप प्रदेश के लेवल में, अब आज ये प्रदेश लेवल में आया तो हम टीचर में उसकी बात। ठीक है, केएल चौहान जी, हाँ, समय मेरे पास नहीं है, लेकिन सत्यप्रकाश जी का कहना है कि अब जांच तंत्र, सरकार, सब कुछ आपके हाथ में है, जांच कराइए, और इस पूरे मामले में जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि जनता का पैसा है, जनता के पैसे पे यदि कोई भी कब्जा करे तो दोषी कोई भी हो, कार्रवाई होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप जल्द ही जांच को आगे बढ़ाएंगे और इस पूरे मामले में दूध का दूध, पानी का पानी होगा। केएल चौहान जी, सत्यप्रकाश जी और मनीष वोरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो लगातार जिस तरह से छत्तीसगढ़ में रायपुर से लेकर आरंग तक कब्जे की बात निकलकर सामने आ रही है, इस पूरे मामले में अब निगम के द्वारा कार्रवाई तो हुई है, लेकिन देखना होगा कि जांच में कौन कौन इस जाल में फंसा हुआ पाया जाता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने ही, खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।